हेलो नमस्कार गाइस, आज जो मेरे पास प्रोडक्ट है ये बहुत ही एक शानदार चमचमाते हुए एक प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हो। ये मशीन जो इसका ये प्रॉपरली जो अपडेट दिया ये वाला अपडेट काफ़ी अच्छा लगा। ये एफजेड एक्स का क्रोम एडिशन है, तो देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक कलर में यामाहा के लोगो और पूरा टैंक जो है क्रोम में मिलने वाला है। पूरा ऐसे मतलब पूरा आपका चेहरा इसमें साफ साफ नज़र आ जाएगा। और क्रोम के होने के लेकर एक फ़ायदा है, इसमें आप इजीली कोई भी हो गया आपका, जैसे कि ये बैग वगैरह है जो कि मैग्नेटिक टाइप का बैग है, ये इसमें जो लोड कर सकते हो इजीली। ये E20 का यहाँ पर लोगो देख सकते हो, यहाँ पर फ्यूल कैप का जो फिलिंग का प्लेस, और यहाँ पर इसका सबसे एक खासियत जो चीज़ पहले से ही था वो आपका जो डिस्प्ले है वो तो ऑन डिस्प्ले, और इसका जो की स्लॉट है ये आपको टैंक के ऊपर में मिलने वाला है। तो ये वाला फीचर्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसे कि देख सकते हो आप, इसका फुल डिजिटल टाइप का डिस्प्ले ऑन हो गया, तो डिस्प्ले में भी काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया गया। यहाँ पर इको का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आप लोगों को RPM का इंटीग्रेशन, और ट्रिप मीटर और किलोमीटर बहुत बड़ा बहुत साफ साफ नज़र आएगा। और इस साइड में आपको मिलेगा फ्यूल इंटीग्रेशन, और यहाँ पर ABS का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर ट्रान इंडिकेटर का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आपको हाई बीम का इंटीग्रेशन, तो इसके साथ साथ न्यूट्रल का इंटीग्रेशन, और TCS कंट्रोल मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल का इंटीग्रेशन, चेक इंजन लाइट और ABS लाइट, और इसके साथ राइट टर्न इंडिकेशन, ये सारा का सारा फीचर्स मिलने वाला है। उसके साथ एक स्विच मिलने वाला है जिसको आप डोगल करके इसका जो ट्रिपोमीटर के साथ यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हो, यहाँ पर TCS कंट्रोल ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो, और भी यहाँ पर ओडोमीटर देख सकते हो आप, ट्रिप मीटर ए, ट्रिप मीटर बी टू, तो ऐसे ट्रिप मीटर मतलब कितना फ्यूल में कितना तक जाएगा इसका भी इंटीग्रेशन है। तो बेसिकली यही है इस डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले वाइज काफ़ी अच्छा चेंजिंग आया है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को यामाहा का लोगो और ये वाला मॉडल आप लोगों को कैसा लग रहा है, इसका कलर ऑप्शन और फ्रंट में जो DRL है, तो ये मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आ रहा है और इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये बाइक आप लोगों को पता है ये एक टूर सेगमेंट का बाइक है, इसमें आप लॉन्ग टूर वगैरह इजीली मार सकते हैं। और ये वाला बाइक का मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ कि जब रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ गोल्डन कलर का एलॉय व्हील, और इसका जो टैंक का जो आई का जो क्या चाहिए आई मतलब आप जैसे भी हो जहाँ पर भी हो इस बाइक को लेकर रोड पे निकलोगे तो मतलब पब्लिक घूम घूम कर देखना चाहिए से। तो देख सकते हो फोन में इसका जो मैं दिख रहा था DRL, और उसके साथ साथ प्रोजेक्टर टाइप हेडलाइट जो हेडलाइट का थ्रो बहुत अच्छा है, जैसे कि सामने दिख रहा है हेडलाइट का थ्रो, तो बाई फंक्शनल टाइप का प्रोजेक्टर नहीं है, नॉर्मल प्रोजेक्टर है। उसके साथ साथ इसका फ्रंट में मार्गट देख सकते हो, मार्गट में एक कवर लगा हुआ है, और उसके साथ मार्गट मैट में मिलने वाला है। और इसका फ्रंट में आप ड्राइवे के डिस्क कैलिपर देख सकते हो, सिंगल चार डिस्क के साथ ये बाइक आ रहा है। और इस बाइक में आपको फ्रंट में सबसे मोटा वाला मतलब कूलिंग सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा टायर मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 100/80 सेक्शन का टायर मिलने वाला है। और उसके साथ साथ इसका जो 17 इंच का गोल्डन कलर का एलॉय व्हील, बस क्या लग रहा है T+ टाइप का टायर है। टायर का फिट देख सकते हो 100+ में भी काफ़ी मदद करेगा। और पीछे आते आते पीछे भी आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, और 140/ आप लोगों को 60 का रेडियल टायर मिल रहा है। और उसके साथ साथ ये 17 इंच का एलॉय मिलने वाला है, पीछे में भी गोल्डन कलर का एलॉय मिलने वाला है। और टायर का थिकनेस आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, और इसका जो साइड वाला है बहुत छोटा रखा गया है, जिससे कि लीन वगैरह में काफ़ी अच्छा आप लोगों को मदद मिलने वाला है। उसके साथ साथ पीछे में मोनोशॉक टाइप का सस्पेंशन, और फ्रंट में आप लोगों को टेल स्किटेड टाइप का सस्पेंशन, और सस्पेंशन के ऊपर में आप लोगों को एक गार्ड मिलेगा प्लास्टिक का, जिससे कि धूल वगैरह मिट्टी से ये बर्बाद ना हो पाए। और इस फ्रंट में देख सकते हो राउंड टाइप का हेडलैम्प के ऊपर में भी कुम का टच दिया गया है, कोई भी फाइजर वगैरह इस बाइक में आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो इसका सीटिंग कंफर्ट देख सकते हो, स्प्लिट टाइप का कोई भी सीट नहीं है, नॉर्मल टाइप का सीट है, और सीटिंग जो कंफर्टेबल है कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छा है। पीछे का ट्रिम भी सिंगल है, और पीछे का टेल सेक्शन देख सकते हो राउंड टाइप, पीछे का लुक आप चेक करिए, यहाँ पर टायर हैगर मिलने वाला है। और इसका जो इंडिकेशन है सारा का सारा इंडिकेटर आप लोगों को LED में मिलने वाला है, मतलब फुल ऑल ओवर LED लाइटिंग सेटअप इस बाइक के साथ कंपनी ने ऑफर कर रहा है। और उसके साथ साथ आप देखिए इसका हैंडल बार नॉर्मल पाइप टाइप का हैंडल बार रखा गया है, और इस हैंडल बार में आप लोगों को जो स्विचिंग है ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप का स्विच में। तो इस बाइक का मैं एक मस्त फीचर सब लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो बटन है ये स्पेशली DRL का जो थ्रो है इसको कम या ज़्यादा करने के लिए, जैसे जब इसका मेन हेडलाइट सेटअप को ऑन करोगे तब इसका जो DRL है ये इसका थ्रो
कम जाएगा। और जब को आपको इसका प्रोजेक्ट हेडलैम मेन हेडलैम जलने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत रोशनी चाहिए, तो आपका यहाँ से इसको ऑफ करने से इसका DRL का जो थ्रो है ये बढ़ जाता है। ये वाला मस्त फीचर्स मुझे लगा इस बाइक में, तो इसके लेकर आपको सेपरेट एक स्विच दे दिया गया है जिससे कि आप देख सकते हो। तो भाई कुछ डिफरेंट देखने के लेकर मिल रहा है, और उसके साथ में ऊपर में पासिंग लाइट, यहाँ पर टापर डिपर का इंडिकेशन, और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर हॉर्न, और इसी में इंजन की स्विच और इनसे सेल्फ का स्विच मिलने वाला है। अभी कंपनी के अंदर शोरूम के अंदर है ये बाइक, तो इसीलिए मैं सेल्फ मारना नहीं चाहता हूँ। तो राइट साइड का तो हो गया, और लेफ्ट साइड से भी देख सकते हो बाइक। इस बाइक का इंजन स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो, एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक SO8C2 हाल इंजन इसमें लगाया गया है। और इस इंजन का जो साइज है 149 cc का ये इंजन है, और इसके साथ साथ इस इंजन से जो पावर आउटपुट निकलेगा ये आप लोगों को 12.4 PSI का मिलने वाला है, जो कि 7200 RPM पर और 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है, जो कि आप लोगों को 5500 RPM पर मिलने वाला है। और आप लोगों को ये इंजन का एक चीज़ सबसे स्मूथनेस के मामले में सबसे आगे बोल सकते हो, क्योंकि भाई यमा का इंजन है, जो डायरेक्टली यहाँ पर यमा का इंजन लिखाया हुआ है। 5-speed गियर मिलने वाला है, एयर कूल इंजन मिलने वाला है, तो देख सकते हो जैसे कि इस साइड से भी इंजन का लुक देख सकते हो। इंजन में यहाँ पर थोड़ा सा पिंच दिया गया है जिससे कि डायरेक्ट एयर इसके अंदर जाए, और इंजन का लुक बहुत अच्छा है इसका। यहाँ पर नीचे में आप लोगों को गार्ड मिलने वाला है जिससे कि इंजन प्रोटेक्ट हो सके। सेंटर स्टैंड भी दिया गया है, जो कि एक अच्छा फीचर्स है। और इस बाइक में कोई भी साइलेंट, ये जो बाइक है ये AFI इंजन के साथ मिलने वाला है। सो और पूरी में जो सबसे अच्छा जो फीचर्स मुझे लगा है ये, पर आप देख सकते हो 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट दिया गया है इस बाइक में, मतलब कोई भी आप लोगों को इक्विपमेंट इसके साथ इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि एयर प्रेशर का मैसिंग हो गया, या फिर कोई भी 12 वोल्ट सॉकेट दिया गया है, मतलब इससे कोई भी आप टूरिंग के वक्त अदर्स इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हो। जो कि ऐसा ही 2-3 फीचर्स जो है इस बाइक को हर एक दूसरा बाइक से इसको अलग करता है। सो इसीलिए ये बाइक मुझे अच्छा दूसरे टूरर सेगमेंट की बाइक से अच्छा लगता है। सो तो आज का डेट में इस बाइक का प्राइस है 1,66,950 rupees, जो कि वैल्यू फॉर मनी आप बोल सकते हो इस बाइक में। और इसके साथ साथ हर कोई कंपनी का फाइनेंस यहां पर अवेलेबल है, जैसे कि L&T फाइनेंस चल रहा है अभी जिससे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो इस तरह का और भी लेटेस्ट वाला बाइकों का वीडियो के लेकर, और बाइकों में कोई भी अदर इक्विपमेंट का और बाइकों का थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का वीडियो लेकर मैं हमेशा आता रहता हूँ, तो इसीलिए ये सारा वीडियो आप लोगों चैनल, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।